खबर कन्नौज से है, जहां पर आवास के नाम पर ग्राम प्रधान की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। पीड़ित ने प्रधान और उसके गुर्गों पर वसूली करने का आरोप लगाया है। पीड़ितों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी को शिकायती पत्र भी सौंपा और पूरे मामले की कार्रवाई को लेकर मांग भी की है। क्या नाम है, किस गांव के रहने वाले हो? आज आप कहां पर आए हैं? क्यों आए डीएम साहब के बंगला पे, क्या कारण है? जी, तो फिर आपने शिकायती पत्र दे दिया डीएम साहब को? दे दो। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम है? है। तो फिर क्या दिक्कतें आ रही, क्या दिक्कतें आ रही फिर? दिक्कतें आ रही हैं, 20,000 रुपया मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है 20,000 रुपये? प्रधान। खबर कन्नौज से है, जहां पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान अरुण शाकी की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि चुनावी रंजिश के चलते घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि वर्तमान प्रधान से पूर्व प्रधान की चुनावी रंजिश चल रही थी और उन पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया था, जिसको लेकर विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। वहां पर सर, ये प्राइमरी स्कूल में इसी को बाद में कर लेंगे, तो उसकी सेफ्टी के लिए गए थे हम लोग। कहां पर? स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। पूरा पता बताओ। नरुईया गांव। तो वहां गए थे, तो हम थे और प्रधान थे अरुण। तो वहां पर ये पप्पू जो थे, उनके प्रधान के लड़का बड़े वाले, वो एक बार आए भी। उन्होंने कहा यहाँ क्या हो रहा है, हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे गिफ्टी हो रही है, बोरिंग हुई है। चले गए कि ठीक है करो। उसके बाद में हम लोग ये लोग वहाँ से चले गए, हम लोग वहाँ से निकल आए। फिर ये दोबारा फिर आए, फिर उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो, हमने कहा अभी बताया था कि नहीं बताया था। फिर ये चले गए। उसके बाद में हम लोग वहाँ से चालू करके इनका क्या नाम था जिनको लेके आए जिला अस्पताल और जिन्होंने हमला किया, वो कौन थे? अरुण प्रधान। किस गांव के थे? नरुईया। आप ही के गांव? हाँ। और लड़का संग देते ने मारे तेरे की, सब फूटे जेल सब लठिया हो है। कितने लोगों का मारा? 3-4 लोग हमारे और परिवार के थे संग, बिल्कुल लेते वहाँ उनको द्वारो ये तो वहाँ स्कूल के सामने। तालाग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है नरुईया, वहां पर ये अरुण शाक्य जो है वो पूर्व प्रधान है वहां का। वर्तमान प्रधान के साथ और इनकी आपस में कुछ रीति थी, पता नहीं आज क्या घटना हुई है। अभी पूरी घटना का तो पुलिस और सब लोग मिलकर के खुलासा करने के बाद ही आपको बता पाएंगे, लेकिन जितना जानकारी मिल रही है वो यही है कि झगड़ा तो हुआ है। और झगड़ा क्या कहें, सिर्फ एक तरह से एक पक्षीय, उन लोगों ने घेर कर अरुण शाक्य के ऊपर हमला किया है और उस हमले में हताहत होकर के लगता है कि उसका। थाना तालग्राम क्षेत्र में आज सायंकाल दो पक्षों के मध्य आपसी रंजिश को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है, आरोपी गण को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। खबर आगरा से है, जहां धमाके के साथ कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी है। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। खबर झारखंड के चतरा से है, जहां पर सीसीएल कर्मी के घर अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के दौरान हथियारबंद अपराध कर्मियों ने टाटा पावर का काम बंद करने की धमकी भी दी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पिपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं इस दौरान पुलिस टीम ने घटना स्थल से खोखा भी बरामद किया है। सभी ग्रामीणों का ये कहना है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था बहाल नहीं की जाती तब तक काम बंद रहेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन इस घटना की कार्रवाई में जुटा है। खबर औरैया से है, जहां पर सौरी गड़िया गांव निवासी युवक बाइक से अपने भाई के साथ जा रहा था, तभी अचानक बाइक के सामने मवेशी के आ जाने से वो सड़क पर गिरकर घायल हो गया। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल औरैया पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं था।
स्टाफ ने इंजेक्शन लगाया और कानपुर ले जाने की सलाह दी। वहीं एम्बुलेंस को कॉल भी की गई, लेकिन 2 घंटे बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घायल की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने प्राइवेट वाहन को किराए पर लेकर घायल को उपचार के लिए कानपुर में भर्ती कराया। मेरा भाई है जो अभी मोटरसाइकिल से आ रहा था, एक गाय का बछड़ा निकला रोड से, तो उसको बचाने में उनका एक्सीडेंट हो गया, डिवाइडर टकरा गया। 1 घंटा लगभग हो गया है मेरे को फ़ोन किए हुए, 2 बार 108 एम्बुलेंस फ़ोन कर चुका हूँ, अभी तक कोई गाड़ी का इंतजाम हुआ ना ही यहाँ कोई स्टाफ बताने को तैयार है आपको गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो लखनऊ से अभी ये बोल देते हैं अभी आपको मिल रही है मिल रही है, वेट करिए वेट कर, कितना वेट किया जाए, हम लोग परेशान हो चुके हैं बताइए। अगर ये सरकार ये सब नहीं कर सकती, मैं प्राइवेट लेके जाएँ कहीं और कोई काम करवाएं किसी से। खबर देवास के हाट पिपलिया से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मिली जीत पर आम आदमी पार्टी के हाट पिपलिया विधानसभा के देवगढ़ में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। इस अवसर पर हाट पिपलिया विधानसभा प्रभारी डॉक्टर भंवर सिंह, जागीरदार दिलीप सिंह राजपूत, सोनकक्ष प्रभारी डॉक्टर आरपी झाला, जगदीश जाट के साथ कई लोग मौजूद रहे। खबर जालौन से है, जहां पर एकमात्र आश्रम पद्धति विद्यालय अब एनजीओ के हाथों में सौंप दिया गया है। बता दें कि कदौरा क्षेत्र के बबीना में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन अब इसकी कमान 2 एनजीओ को सौंप दी गई है। कुछ हफ्ते पहले जब हमने इसका निरीक्षण किया था तो यहाँ स्थितियाँ अच्छी नहीं पाई गई थी। यहाँ पे बच्चे अंधेरे में बैठे हुए पाए गए थे, उनसे फीडबैक लिया था तो क्लासेस ठीक से नहीं हो रही थी, और कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनकी बहुत शिकायत मिल रही थी कि कुछ वो गुंडागर्दी करते हैं, और गाली गलौज की भी शिकायतें थी, और दुर्व्यवहार कुल मिला के काफ़ी था, और जो वातावरण पढ़ाई के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो इसी को देखते हुए हमने फिर हमारी टीम ने, हमारे समाज कल्याण अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी, हमारे एसडीएम साहब, सभी ने मिलके ये सोचा कि यहाँ पे इंटरवेंशन जो होना चाहिए पढ़ाई में वो कैसे किया जाए। तो उसी समय हमारी विजन आईएएस के जो फाउंडर हैं अजय सिंह जी, उनसे बात हुई थी, और उन्होंने बताया कि उनका एक एनजीओ भी है पारस इंडिया, जो इस फील्ड में काम करता है। नमस्कार, सुप्रभात, मैं हूँ आपका अपना दिनेश। जनपद जालौन का एकमात्र आश्रम पद्धति विद्यालय, जिसे समाज कल्याण विभाग संचालित करता था और जिले की शान, अब वो विद्यालय 2 एनजीओ के हवाले कर दिया गया। इसके पीछे की वजह जो सामने आई है उसके मुताबिक, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा था आश्रम पद्धति विद्यालय है, जिले का पहला आश्रम पद्धति विद्यालय जो कदौरा क्षेत्र के बबीना में स्थित, उस आश्रम पद्धति विद्यालय में कई बार शिकायतें आई, अध्यापकों की अनुशासनहीनता, बच्चों के प्रति उनका दुर्व्यवहार और विद्युत व्यवस्था का लचर होना सहित कई ऐसे कारण थे जिनको लेकर बार बार शिकायतें आ रही थी। और इसको लेकर जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह ने जब निरीक्षण किया तो सत्यता पाई, साथ ही कुछ अध्यापकों के प्रति जो है उन्होंने सख्ती दिखाई और उनके निलंबन और अन्य जो जरूरी जो है दिशा निर्देश होते हैं वो दिए गए। खबर कुशीनगर से है, जहां पर विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन थाना शुरू किया गया है। बता दें कि कुशीनगर विधायक पीएन पाठक ने फीता काटकर थाने का उद्घाटन किया है, वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी और एसपी भी मौजूद रहे। खबर पीलीभीत से है, जहां ग्राम पंचायत शेरपुर कला को जब से ओटीएफ गांव घोषित किया है तो सचिव और ग्राम प्रधान ने गांव में जगह जगह पर कूड़ेदान रखवा दिए हैं। इसके अलावा गांव में कई जगह पक्के कूड़ेदान भी बनाए गए हैं। बता दें कि गांव में जगह जगह पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं मदरसा रहमत इस्लामिया से लेकर खेत तक कूड़े का अंबार लगा हुआ है, जिससे कि लगातार दुर्गंध आती है। वहीं ग्रामीण अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं और ग्राम प्रधान पर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हमारे प्रधान महोदय ने नाली तो साफ करा दी है, लेकिन उसके पास जो कीचड़ और गंदगी पड़ी है उसे रास्ते उठाने कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से लेके आगे पुलिया तक सब गंदगी नजर आ रही है, जबकि कंपोजिट बन चुके हैं। प्रधान जी ने इस बारे में कोई अपने स्थायी कदम नहीं उठाया। खबर देवरिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बैठक की है। आपको बता दें
कि नवसृजित भलुअनी नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत चुनाव प्रभारी एवं बरहज विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व पार्टी के वरिष्ठ समाजवादी नेता मौजूद रहे। वही उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए बताया है कि पार्टी के द्वारा किसी एक को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा और पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाती है उसे समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सीट जिताने का कार्य करेंगे। वहीं इसी क्रम में समाजवादी पार्टी से दावेदारी कर रहे संतोष मदेशिया जो कि बाइक और फोर व्हीलर से सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता लेकर बैठक में शामिल होने पहुंचे। कोई कठिनाइयां उम्मीदवार पीछे रहेंगे, जनता आगे रहेगी। क्या लगता है किस पार्टी से लड़ाई रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी की लड़ाई रहेगी भारतीय जनता पार्टी से? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, चुनाव जीत रहे हैं जनता का अपार। हमको वर्तमान सरकार के उत्पीड़न की नीति जो है आप खुद देख रहे हैं, प्रदेश स्तर पर जिस तरह से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, GST के नाम पर छापा मारा जा रहा है। यहाँ से सपा के बाद कोई नहीं जीतेगा, चाहे किसी को भी पार्टी टिकट दे दे। समाजवादी पार्टी का परचम यहाँ से लहराना है तो लहराना है। भारतीय जनता पार्टी तो तमाम दावे कर रही है विकास कार्यों के, उन लोग कर रही है दावे तो आप रोड पे देख रहे हैं। कल किसान परेशान, आज दुकानदार परेशान और बाकी तो परेशान है, फिर भी भाजपा खुशहाल है। ये जो आयकर की छापेमारी चल रही है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत पड़ रहा है, पूछिए उन दुकानदारों से जो GST का फायदा गिनवा रहे थे। आज एक हफ्ते से एक घंटा खोल रहे हैं, जिनका मान लीजिए बिक्री 5,000 का था, 1,000 रुपये बेच के कितना उसका बेनिफिट होता होगा? 100 रुपया या 50 रुपया, कैसे चलाएगा वो अपना परिवार? आज नगर निगम चुनाव के प्रभारी जी उद्भव नारायण सिंह जो कि सबकी बैठक लिए हैं और क्या नाम है कि सारे प्रत्याशी एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी का समर्थन करेंगे और यहाँ से सीट निकालेंगे। समाजवादी पार्टी टिकट किसी एक को ही देगी, लेकिन सारे जो समाजवादी कार्यकर्ता हैं एकजुट होकर के अपना समर्थन करेंगे और क्या नाम है।